गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कुशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कुशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तीन प्रॉपर्टीज, सबको पहले रिवाइज कर देते हैं हम। पहला प्रॉपर्टीज हम आपको बताए कन्वर्जन फार्मूला, जिसमें बताए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सेक इनवर्स होगा वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज बताए थे। दूसरा प्रॉपर्टीज हम आपको बताए कि साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स वन बाई एक्स और टेन इनवर्स एक्स को लिखिएगा कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, या साइन इनवर्स वन बाई एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वन बाई एक्स को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। ये दो फॉर्मूला हुआ। तीसरा फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। लेकिन यहाँ हम ये भी बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जो होगा इसमें एक्स का वैल्यू होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब होगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होगा। टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स जब एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, यहाँ ओपन इंटरवल होगा। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स बिलोंग्स टू हो जाए जीरो से पाई। सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स जब एक्स होगा जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। ये बात ध्यान देना है। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके आगे आग देखिएगा। ये फॉर्मूला बता चुके थे इस पर डिटेल, लेकिन इसका प्रूफ नहीं बताए थे। आज इसका प्रूफ देख लीजिए, बड़ी आसान है, एक देख लीजिएगा बाकी अपने आप होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्वेश्चन के रूप में कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स, इसको हमको साबित करना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू है थीटा, मान लिया तो ये फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड उतार दीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और आपने साइन एक्स को क्या माना था थीटा। अब ये हमको मिल गया साइन इनवर्स थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं एक्स,
यही हो गया आपका राइट हैंड साइड, यानी आप साइन इनवर्स साइन एक्स को लिख सकते हैं एक्स, लेकिन तब जब एक्स बिलोंग्स टू हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सब अपने रेंज में रहेगा तभी। चलिए दूसरा प्रूफ कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ आप अच्छा से नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, दूसरा में समझ जाइए। मान लीजिए क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो आप क्या करेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, अब देखिए कॉस एक्स के जगह पर लिख दीजिए थीटा, या देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स के जगह पर थीटा। अब जो ही आपने लिखा कॉस इनवर्स थीटा तो आपको मिल गया कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, यानी यही आपका हो गया राइट हैंड साइड, तो आपको मिल गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये तो याद रखना बहुत आसान है, लेकिन सबका रेंज याद रखना चाहिए। ये होगा तब जब एक्स का मान होगा जीरो से पाई के बीच में। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन के रूप में दे दे प्रूव दैट टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आपको साबित करना है। तो कुछ नहीं, मान लेते हैं कि टैन एक्स बराबर थीटा है, तो एक्स बराबर होगा टैन इनवर्स थीटा। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है टैन इनवर्स टैन एक्स, यानी टैन इनवर्स और टैन एक्स का मतलब हो गया थीटा, तब ये हो गया टैन इनवर्स थीटा, और टैन इनवर्स थीटा को कहेंगे एक्स, और यही हो गया आपका राइट हैंड साइड, यानी फॉर्मूला हो गया टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स, लेकिन एक्स होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज बढ़िया से आप याद करते चलिए। अभी तक हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ा है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रॉपर्टीज। तो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज समझिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, चौथा नंबर प्रॉपर्टीज है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स, लेकिन यहाँ एक्स होनी चाहिए माइनस वन से वन के बीच में। इसी प्रकार से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन से वन। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स, और एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन। सिमिलरली कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन। ये बात को ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तब भी एक्स होगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तब भी एक्स होगा। जरा ध्यान देना है, ये लागू होगा रेंज में, अपने रेंज में, और ये लागू होगा अपने डोमेन में, यानी यहाँ पर होगा x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, और यहाँ होगा x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये चारों फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है प्रॉब्लम्स बनाने के लिए। आइए इसके प्रूफ को देखते हैं।
प्रूफ करते हैं क्वेश्चंस के रूप में कि साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स कैसे होगा, यानी हम इसको क्वेश्चन की तरह यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा। नाउ अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है साइन साइन इनवर्स एक्स। अब आप यहाँ साइन इनवर्स एक्स के बदले में थीटा लिख दीजिए तो आपको मिल गया साइन थीटा, जिसके जगह पर आप लिख सकते हैं एक्स, और यही आपका राइट हैंड साइड है। यानी आप लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, लेकिन ये बात ध्यान रहना चाहिए कि एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच होगा। अगर कोई आपसे कहे कि साइन साइन इनवर्स टू का वैल्यू क्या होगा, तो आप टू मत लिख दीजिए क्योंकि ये एक्स के रेंज से बाहर हो गया। साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स तब और केवल तब होगा जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके डोमेन और रेंज को मजबूत कीजिए। प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर करके डोमेन और रेंज को, बेसिक का जो तीन चार वीडियो बनाया गया है वो जब तक मजबूत नहीं होगा आगे कुछ खास ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत सवाल इस पर होगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत मज़ा आएगा निश्चित तौर पर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे कंसेप्ट को देखिए, कम से कम डोमेन और रेंज को जिह्वा पर ले आइए, जुवानी ले आइए। एक और प्रूफ देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन के रूप में। प्रूफ दैट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स बराबर होगा कॉस थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर थीटा और कॉस थीटा के जगह पर एक्स, यानी ये हो गया राइट हैंड साइड। यानी ये फॉर्मूला आपका हो गया कॉस कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन है के रूप में। प्रूफ दैट टेन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा है, तो x इज इक्वल्स टू होगा tan थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हो गया tan tan इनवर्स x, यानी tan tan इनवर्स x के जगह पर थीटा, तो ये आपको हो गया tan थीटा, और tan थीटा के जगह पर x लिख देंगे, यही आपका होगा राइट हैंड साइड। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसी प्रॉपर्टीज तीन और चार पर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग और इसको गहराई से देखेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर थ्री और फोर पर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर कहे कि कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप सीखे हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ थीटा का मान जीरो से पाई के बीच में होनी चाहिए, तो ये सेवन पाई बाई सिक्स जो है वो जीरो से पाई के बीच में नहीं है, ये पाई से ज़्यादा है, ये है पाई प्लस पाई बाई सिक्स।
इसको हम लिख सकते हैं 7π/6, यानी ये पाई से ज़्यादा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये उसके रेंज में नहीं है, यानी यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सब आप नोट करते चलिएगा, हमको तो बोर्ड पर बताना है इसलिए हम मिटाते चलते हैं। कॉपी कलम ले करके ही बैठिए, पढ़िए, मन से समझिए। तो देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को आप डायरेक्ट 7π/6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसके रेंज में नहीं है। तो उसके रेंज में लाने के लिए हम इसको तोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को लिख दीजिए पाई प्लस पाई बाई सिक्स। अब आपको देखिए, ये हो गया कॉस 180 प्लस थीटा, यानी कॉस पाई प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में आ गया है। अब देखिए, पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ है, पाई प्लस थीटा तो किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपुल पर, ऑड मल्टीपुल पर कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होता है इसका मतलब क्या, कि 90 डिग्री का जब ऑड मल्टीपुल रहेगा, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। बस एक याद रखना है, बस यही 90 डिग्री का अगर हम कर दें इवन मल्टीपुल, तो ऐसी स्थिति पर कन्वर्जन नहीं होता है। हो गया, आप कॉपी किताब ले करके बैठिए, उतारते चलिए। यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपुल हो गया। यहाँ साइन रहेगा साइन में, साइन रहेगा साइन में, कॉस रहेगा कॉस में, टेन रहेगा टेन में, सेक रहेगा सेक में, कॉसेक रहेगा कॉसेक में, यानी कोई कन्वर्जन नहीं होगा। इसका अलग से हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बनाएंगे। जिनको प्रॉब्लम है, नहीं सीखे हैं ट्रिगो, थोड़ा वेट कीजिए, ट्रिगो का लेक्चर अलग से बनाएंगे। और तब तक आप एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए कि कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस कॉस थीटा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा हो गया, ये अलग प्रॉपर्टीज एक बताएंगे इनवर्स का, अलग प्रॉपर्टीज क्या होगा भाई। तो अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, अगले प्रॉपर्टीज में हम इसको बताएंगे डिटेल में कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो आप इसको लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पर देखिए पाई बाई सिक्स है, तो हम थीटा के जगह पर लिख देंगे पाई बाई सिक्स, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस। अब देखिए, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, अब हो गया पाई बाई सिक्स। अब यहाँ हम लगा देंगे फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि थीटा जीरो से पाई के बीच में आ गया, तो अब हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी आंसर हो गया पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यानी फाइव पाई बाई सिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।